हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुडफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आ गया है बारिश का रिमझिम रिमझिम मौसम। और इस बारिश के मौसम में कुछ भी चटपटा, कुछ भी मीठा, कुछ भी खाने का मन करता है गर्म गर्मा गर्म चाय के साथ। तो मैं आज आपके लिए मीठा मीठा कुछ आइटम बनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी और मैं आपको बनाते हुए ही दिखाऊंगी कि आज मैं कैसे कैसे क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो अपना फ्लेम मैंने कर दिया है चालू और इस पर रख दी है मैंने कढ़ाई। और कढ़ाई में ये लिया है मैंने 1.5 गिलास दूध लिया है। तो मैं दूध मिल्क इसमें डाल देती हूँ और मैं इस दूध को थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ। हो रहा है मेरा दूध बॉईल, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बड़ा चम्मच लिया है मैंने सेमोलिना सूजी लिया है, और एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने ये मेल्ट घी, और 1/2 पाव लिया है मैंने शुगर पाउडर बूरा लिया है, और ये 6-7 इलायची, हरी इलायची जिसको मैंने छील के कूट लिया है, पीस लिया है, और ये लिया है मैंने सीसम सीड, सफेद तिल लिए हैं ये 1 बड़ा चम्मच है, और ये लिया है मैंने कोकोनट पाउडर, जो ड्राई वाला कोकोनट होता है उसको मैंने तोड़ के उसके ग्राइंडर में डाल के मैंने इसके पीस लिया है दरदरा। तो ये है कोकोनट पाउडर। और ये लिया है मैंने राइस फ्लोर, चावल का आटा 1 बाउल। और उधर हो रहा है मेरा दूध गर्म, तो शुरू करते हैं। तो हल्का हल्का सा मेरा दूध ये बॉईल होने लगा है, तो मेरा दूध गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें डाल दूंगी ये अपना 1 बाउल लिया है चावल का आटा, राइस फ्लोर। और इसको डालने के बाद मैं कर लेती हूँ इसको अच्छे से मिक्स, और अपना फ्लेम थोड़ा धीमा कर देती हूँ इस तरह से। और इसमें डाल देती हूँ अपनी सूजी, सेमोलिना भी डाल देती हूँ इसमें, और आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये तले में लग ना जाए, जल ना जाए। तो मैं इसे लगातार ऐसे ही चला रही हूँ, इसे गाढ़ा होने तक मुझे ऐसे ही चलाना है इसे। और इस कंडीशन में मैंने लिया है ये मेल्ट घी, तो मैं 1 स्पून इसमें घी डाल देती हूँ इस तरह। और इस सबको मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स, और अभी 2 मिनट से और पकाऊंगी जब तक कि ये हल्का सा ये गाढ़ा ना हो जाए। तो मैं इसे चला लेती हूँ। तो लगातार मैं चलाते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, तो ये हो गया है गाढ़ा। तो अपना फ्लेम मैं कर देती हूँ बंद, फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। और इसमें डालती हूँ अब हरी इलायची का पाउडर, और इसके बाद डालती हूँ अपना ये कोकोनट पाउडर, और अपने सीसम सीड, सफेद तिल डाल देती हूँ, और इन सबको मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। और इस बैटर को, इस डो को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में ठंडा करने के लिए। तो मैं इसे पलटूंगी अब एक प्लेट में। तो देखिए आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल बढ़िया मेरा ये डो बन के रेडी हुआ है, और मैं देखिए बिल्कुल तले से छूट रहा है, अलग से तले से चिपका हुआ नहीं है। तो मैं इसे पलट लेती हूँ एक प्लेट में। मैंने पलट लिया है इसे एक प्लेट में, और ये हो रहा है अभी गर्म, तो मैं 5 मिनट के लिए पहले से ठंडा हो जाने देती हूँ। तो हो गए हैं 5 मिनट, और डो हो गया है मेरा हल्का हल्का ठंडा। देखिए ठंडा हो चुका है क्योंकि मैं इसे हाथ से टच कर पा रही हूँ आराम से। तो मैं इसमें डाल देती हूँ ये शुगर पाउडर, लिया था मैंने 1/2 बाउल, तो मैं अपना शुगर पाउडर इसमें डाल देती हूँ। और इसको डालने के बाद में अच्छी तरह से मैं इन सबको मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेती हूँ पहले। तो इसे लगातार ऐसे ही गूंथते हुए मुझे हो गए हैं 5-6 मिनट, और मैं इसे जिस तरह से हम आटे को हम मलते हैं उसी तरह से मैं इसे लगातार मल रही हूँ। और इससे हो गया है ये एकदम चिकना चिकना, और ये प्लेट को भी छोड़ने लगा है। तो देखिए आपको दिखाती हूँ, ये हो गया है एकदम चिकना। अगर आपके हाथों से डो चिपकता है तो आप थोड़ा सा घी ले लीजिए, और घी को आप हाथों पर थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए इस तरह से, और आप इसे आराम से गूंथते रहिए जब तक ये एकदम चिकना नहीं हो जाता है। तो मैंने कर लिया है इसे एकदम चिकना, तो मैं इसे 2-3 मिनट के लिए पहले छोड़ देती हूँ यूं ही। तो मेरा ये डो एकदम चिकना हो चुका है, आपको दिखाती हूँ, देखिए एकदम चिकना हो गया है। और मैं इसे रख देती हूँ 5-6 मिनट के लिए, और फिर मैं इसके लोइयां बनाऊंगी। हो गए हैं 5 मिनट इस आटे को रखे हुए, तो मैं अपने हाथों पर लगाती हूँ थोड़ा सा घी, और घी को लगाने के बाद में आप जिस तरह से इसकी शेप देना चाहें उस तरह की आप शेप इसको दे सकती हैं। तो पहले आप इसे इसके बॉल बनाइए, चिकने वाले बॉल बनाने के बाद में आप जैसा भी इसे चाहें वैसा इसको शेप दे सकते हो। तो मैं इसको पहले बना लूंगी ऐसे चिकना, इसका बॉल आपको दिखा देती हूँ। ऐसे चिकना बॉल करके मैं इसे प्रेस कर दूंगी हल्का सा इस तरह से, और मुझे बेलना नहीं है ताकि बस ऐसे ही मुझे इसे पतला रखना है। और मैं इसी तरह के सारे अपने मीठे वाले स्नैक्स बना के रेडी कर लेती हूँ। और आप
जितना इसका साइज रखना चाहे उतना रख सकते हो। तो पहले मैं इसे बनाऊंगी गोल, और गोल करने के बाद मैं इसे करूंगी थोड़ा सा प्रेस, और ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। तो मैं इस तरह के सारे अपने रेडी कर लेती हूँ। मैंने अपना कर दिया है चालू, और इस पर रख दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल हो गया है मेरा गरम। और अब चेक कर लेती हूँ, एक बॉल बनाती हूँ आटे का छोटा सा, और चेक करती हूँ अपना ऑयल। तो बबल्स इसमें उठने लगे हैं और मेरा डो आने लगा है ऊपर। तो डो आ गया है मेरा ऊपर, और मेरा आटा हो चुका है, मेरा ऑयल हो चुका है कम्प्लीट। तो मैं अपने सारे ये राइस फ्लोर के जो बनाए हैं मैंने स्नैक्स, इनको मैं फ्राई करती हूँ, डालती हूँ इसमें। और आप अपना फ्लेम पहले स्टार्टिंग में हाई रखिए, और बाद में इसे आप स्लो कर दीजिए। तो मैंने डाल दिए हैं, और मैं इनको अब करूंगी हल्का गोल्डन ब्राउन। तो मैं अब स्लो फ्लेम पर ही इनको पकाऊंगी। तो मैं पलट देती हूँ इनको धीरे धीरे, और तो आप अपने स्लो फ्लेम पर इनको सेकिए धीरे धीरे आराम से, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। तो मैं इनको धीरे धीरे पलट रही हूँ उसी तरह से, और बहुत ही अच्छा कलर आने लगा है। तो आप इनको धीरे धीरे सेकिए, आप हाई फ्लेम न मत कीजिए, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप धीरे धीरे पेशेंट के साथ इनको फ्राई कीजिए। तो स्लो फ्लेम पर इनको पकते हुए हो गए हैं 6-7 मिनट, और आपको दिखाती हूँ बहुत ही अच्छा कलर आया है, और एकदम मेरे ये फ्राई हो चुके हैं, कम्प्लीटली हो चुके हैं। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसे रोकूंगी, और मैं इनको पलट लेती हूँ एक प्लेट में। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है, और बाकी मैं इनको निकाल लेती हूँ ये जो बचे हैं, और इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। हाँ ठीक है जाओ, और जो मेरे बाकी बचे हैं उनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो करती हूँ डालना चालू इनको भी, और आपको जिस तरह से मैंने पहले सेके हैं ये, उसी तरह से आपको सारे अपने बना लेने हैं जितने भी आपने बनाए हैं। तो मैं इनको भी डाल लेती हूँ। तो हो गए हैं ये भी सिककर मेरे एकदम रेडी, बहुत ही अच्छा कलर इनका आया है। तो मैं इनको भी एक प्लेट में पलट लेती हूँ पहले इनको। तो मैंने अपने सारे स्नैक्स कर लिए हैं रेडी, और अपना फ्लेम कर देती हूँ बंद, और मेरे ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो इनको एक बार में फ्राई होने के लिए करीब लगते हैं 6-7 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो मैं इनको भी पलट लेती हूँ। और मेरे सारे स्नैक्स हो गए हैं फ्राई होके रेडी। तो मैंने सबको तलके कर लिया है रेडी, और आपको दिखाती हूँ बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है, और एकदम खस्ता खस्ता बने हैं, कुरकुरे कुरकुरे, और ये चावल के आटे के हैं। और इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी यमी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आ गया है सावन, और आपको सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप खाइए ये चावल के आटे के मीठे मीठे स्नैक्स तिल वाले, और रहिए बी हैप्पी बी हेल्दी। बाय बाय।